हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल बिलियनर आइकन में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा इंटीग्रल इक्वेशन। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले जानते हैं इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है। वो इक्वेशन जिसमें हम अननोन फंक्शन को निकालते हैं, और वो अननोन फंक्शन हमें कहाँ मिलेगा, जो उसी इक्वेशन में अंडर वन और मोर इंटीग्रल, एक या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन के अंडर होगा। एग्जांपल से समझते हैं। इस टाइप की जो इंटीग्रल इक्वेशंस होती हैं उसकी फॉर्म क्या होती है, अल्फा एक्स इंटू यू एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस, ये लिमिट्स आती हैं, यहाँ लैम्डा एक कांस्टेंट आता है, ये लिमिट्स आती हैं ए टू एक्स, फिर एक कर्नल फंक्शन आता है, फिर एक ये जो यू एक्स फंक्शन था यही यहाँ एक्साई रख के आता है और डी एक्साई। अब इसमें देखिए जो ये अल्फा एक्स फंक्शन होगा वो हमें गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा वो भी गिवन होगा, लैम्डा भी हमें गिवन होगा, ये कर्नल जो फंक्शन है वो भी गिवन होगा, लेकिन यू एक्स आई या यू एक्स फंक्शन हमें गिवन नहीं होगा। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम इस फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ जो ये यू एक्स आई फंक्शन है ये इंटीग्रल साइन के अंडर है, ठीक है, मेनली हम इस फंक्शन को निकालते हैं। अब इसमें देखिए एक हमारी डेफिनेशन आती है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होती है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है इन विच जिसमें हम वी परफॉर्म लीनियर ऑपरेशंस, वी परफॉर्म लीनियर ऑपरेशंस, वो इक्वेशन जिसमें हम लीनियर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे लीनियर ऑपरेशन से क्या मतलब है, लीनियर ऑपरेशन का मतलब है सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, उसका यूज करते हैं हम। अब इसमें जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहली टाइप होती है हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और दूसरी टाइप होती है हमारे पास फ्रेडरमॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडरमॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखिए ये दोनों हमें पक्का पता है कि इंटीग्रल इक्वेशन तो होंगी ही, लेकिन वोल्टेरा और फ्रेडरमॉल्म में मेन डिफरेंस क्या होता है अब वो देखते हैं। पहले हम बात करते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की, वो इक्वेशन जिसमें अपर लिमिट इज ए वेरिएबल, जिसमें अपर लिमिट क्या हो, वेरिएबल हो, बट लोअर लिमिट क्या हो, लोअर लिमिट कांस्टेंट हो, वो इक्वेशन हमारी होती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। हम एग्जांपल से समझते हैं। अभी मैंने आपको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन से पहले जो इंटीग्रल इक्वेशन का एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं हम। अल्फा एक्स यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा के एक्स एक्साई यू एक्साई एंड डी एक्साई। अब इसमें देखिए आप जो ये इंटीग्रेशन है इसकी लोअर लिमिट तो ए है, यानी ए क्या है हमारा कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट एक वेरिएबल है जो कि क्या है एक्स है। इसी वजह से लोअर लिमिट
कांस्टेंट होने की वजह से और अपर लिमिट वेरिएबल होने की वजह से ये इक्वेशन क्या है, वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन है। अब देखिए इसमें फिर आगे केसेस बन जाते हैं, केसेस पे किस पे बनते हैं, अल्फा एक्स पे बनते हैं और एफ ऑफ एक्स पे बनते हैं। तो हम पहला केस बनाते हैं, इसको मैं वन नाम दे रही हूं। हम पहला केस बनाते हैं अल्फा एक्स हमारा जीरो है, ठीक है, अल्फा एक्स जीरो आ गया। इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स एक्साई यू एक्साई डी एक्साई इक्वल्स टू जीरो इंटू यू एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन तो थी क्योंकि इसका लोअर इंटीग्रल कांस्टेंट था और ये अपर इंटीग्रल क्या था, वेरिएबल था। लेकिन यहाँ अल्फा एक्स को जीरो लेने की वजह से ये क्या बन गई, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड क्यों बनी, क्योंकि हमने जो अल्फा एक्स लिया था वो हमने यहाँ जीरो लिया, इसलिए ये किस तरह की बनी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन तो थी ये पहले ही, लेकिन अब क्या बनी, फर्स्ट काइंड की। अब सेकंड केस लिया मैंने, ये फर्स्ट था, ये मैंने सेकंड केस लिया कि अल्फा एक्स मेरा जीरो नहीं है, ये वन है। तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगी मेरी, एफ ओफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स कर्नल एक्स एक्साई यू एक्साई डी एक्साई इज इक्वल टू वन डॉट यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। अब इसमें देखिए ये जो फंक्शन है वो यू एक्स आएगा, ऊपर इसलिए नहीं आया था क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जीरो हो जाता है, लेकिन नीचे ये आएगा। इसी वजह से वन से मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या बना, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। अब एक थर्ड केस बनाया मैंने, थर्ड केस में मैंने क्या लिया कि अल्फा एक्स तो वन है लेकिन एफ ऑफ एक्स ये क्या लिया मैंने, जीरो ले लिया। तो यहां से मेरी इक्वेशन वन क्या बनी, लैम्डा एक्स टू ए इंटीग्रेशन कर्नल एक्स एक्साई यू एक्साई एंड डी एक्साई इक्वल्स टू वन इंटू यू एक्स। ध्यान से देखिएगा यू एक्स आ गया, यहां से देखो फंक्शन हट गया है, ठीक है। अब यहां अल्फा एक्स मैंने वन लिया जिसकी वजह से क्या बनी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बनी, लेकिन यहां मैंने साथ के साथ फंक्शन को भी तो जीरो लिया, इसकी वजह से ये होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बनी। होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक। अगर मैं अल्फा एक्स को तो वन ले लूं, इफ अल्फा एक्स को तो मैंने वन ले लिया, लेकिन अगर मैं एफ ऑफ एक्स को नॉन जीरो लूं देन इट विल बिकम वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, बट क्या बनेगी, नॉन होमोजीनियस बनेगी। क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो नॉन जीरो है, इस वजह से ये क्या बनेगी, नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। लेकिन कौन सी होगी, सेकंड काइंड की होगी। क्यों होगी सेकंड काइंड की, क्योंकि अल्फा एक्स हमारे पास वन है। एक लास्ट केस बना रहे हैं इसका हम, आई थिंक केस फोर है ये। मैंने ले लिया कि अल्फा एक्स ना तो जीरो के इक्वल है ना ही अल्फा एक्स कोई कांस्टेंट है,
मैंने मान लिया कि अल्फा एक्स क्या है, वेरिएबल है। वो वेरिएबल से एक्स मान लिया मैंने, और एफ ऑफ एक्स भी नॉन जीरो है, ठीक। देन जो इक्वेशन वन बनेगी वो बनेगी वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड क्यों बनी? क्योंकि अल्फा एक्स ना यहाँ हमारा कोई कांस्टेंट था, ना ये जीरो था, ये क्या था, ये था कोई वेरिएबल एक्स था ये, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास नॉन जीरो था, तो ये क्या बन गई, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ये था हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। अब आपको समझ आ गया होगा कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, जिसका वेरिएबल एक पावर में अपर लिमिट वेरिएबल पावर हो और लोअर लिमिट क्या हो, कांस्टेंट हो। इनमें फिर हमने केसेस बनाए कि फर्स्ट काइंड क्या होता है, सेकंड काइंड क्या होता है, होमोजेनियस कौन सी होती है, नॉन होमोजेनियस कौन सी होती है। अब हम देखते हैं फ्रेडहोल्म इंटेग्रल इक्वेशन, ठीक है। फ्रेडहोल्म इंटेग्रल इक्वेशन में क्या हो, द इक्वेशन इन विच बोथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर कॉन्स्टेंट हो, दोनों में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोथ आर कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, अल्फा एक्स यू एक्स, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा। अब ये देखिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं, एक जनरल एग्जाम्पल लिया है हमने, पर्टिकुलर केस नहीं ले रहे, हम जनरल सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये जनरल फॉर्म ली है मैंने। लोअर लिमिट भी कांस्टेंट एंड अपर लिमिट भी कांस्टेंट, के एक्स एक्स आई यू एक्स आई एंड डी एक्स आई। इसमें देखिए फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन क्यों बनी, क्योंकि इसका अपर केस भी, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इसमें भी सेम केसेस होंगे एज डिस्कस्ड अबव, बस डिफरेंट क्या हो, डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस होगा कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में तो जो अपर लिमिट होती है वो हमारी वेरिएबल होती है, लेकिन इसमें वो वेरिएबल नहीं होती, इसमें दोनों लिमिट कांस्टेंट होती है। आप इसकी हेल्प से फ्रेंड नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको अच्छी लगी, या फिर आपके लिए ये हेल्पफुल रही, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।